leads to question number 14th of exercise 12C, that is circles. Question number 14th is, in the given figure, O is the center of the circle. O center hai circle ka. If AOD is 140 degree and CAB is 50 degree, find hame kya kya de rakha hai? Angle AOD de rakha hai hame 140 degree and angle CAB de rakha hai hame 50 degree, right friends? Aur hame kya kya nikalna hai? EDB and angle EBD nikalna hai. Kaun kaun se hue? EDB and EBD, ye wala angle pura aur ye wala angle. तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए, अगर हमें ये दो एंगल्स पता चल जाएं तो हम इजीली निकाल सकते हैं ये वाले एंगल्स, राइट फ्रेंड्स? तो कैसे निकालेंगे देखिए. नाउ हमें पता है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट फ्रेंड्स? तो एंगल AOB कैसे बनेगा? AOB किस किस को मिला के बनेगा? AOD को, एंगल AOD को प्लस एंगल BOD को, राइट फ्रेंड्स? तो AOB तो 180 डिग्री आया स्ट्रेट लाइन की वजह से, AOD हमें 140 डिग्री दे रखा है और BOD हमें निकालना है, राइट फ्रेंड्स? तो ये कितना आ गया? एंगल BOD इज इक्वल टू 180 माइनस 140. तो एंगल BOD कितना आ गया? 40 डिग्री, राइट फ्रेंड्स? तो हमें पता चल गया ये कितना है? 40 डिग्री, राइट? अब देखिए, अब हमें पता है OB और OD क्या है, रेडियस है. OB इज इक्वल्स टू OD, व्हाई? बोथ ऑफ देम आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, राइट फ्रेंड्स? अब जब दोनों रेडियस हैं और दोनों इक्वल है, हमें पता है ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो OB के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ODB, ODB और एंगल OD के ऑपोजिट एंगल OBD. Why? Because ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स are also equal, right friends? अब देखिए, इन ट्राइंगल BOD की बात की जाए तो तीनों एंगल्स का सम, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो मैं ये कह सकती हूँ एंगल BOD प्लस एंगल ODB ये वाला प्लस एंगल OBD ये वाला इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट फ्रेंड्स? ये हमें पता है 40 था, दोनों सेम थे, तो मैं इसकी जगह ये लिख रही हूँ, ओ बी डी लिख रही हूँ, प्लस एंगल ओ बी डी इक्वल्स टू 180. तो ये कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 40, कितना आ गया ये? 140. तो एंगल OBD कितना आ गया? 140 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 70 डिग्री. तो दैट मींस OBD कहो या ODB कहो, दोनों कितने आ गए? 70 डिग्री के आ गए. अब नाउ ABDC क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट फ्रेंड्स? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कौन सा एंगल था? CAB, एंगल CAB प्लस एंगल DBDC, BDC इक्वल्स टू 180 डिग्री. CAB हमें दे रखा है 50 डिग्री, राइट फ्रेंड्स? प्लस BDC किस किस को जोड़ के बना है? एक तो ODB को, ODB को प्लस एंगल ODC को इक्वल्स टू 180.
राइट फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया 50 प्लस ये कितना आया था हमारा ODB, ODB 70 डिग्री प्लस एंगल ODC इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया 120 प्लस एंगल ODC इक्वल्स टू 180, तो एंगल ODC कितना आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये कितना आ गया 60 डिग्री, राइट। अब ये देखिए CDE इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ABE इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ CDE इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट फ्रेंड्स, तो एंगल CDE किस किस को मिला के बना, एंगल ODC को प्लस एंगल ODB को प्लस एंगल ये कौन सा हुआ ED को, राइट फ्रेंड्स, तो ये कितना आया था 180 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ODC हमारी अभी निकल के आया 60 डिग्री, ODB हमारा 70 डिग्री निकल के आया था, प्लस ED हमें निकालना है, तो ये कितना आ गया 180 इक्वल्स टू 130 प्लस एंगल ED, तो एंगल ED कितना आ गया हमारा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। इसी तरीके से अब ये निकालना है, हमें पता है ABE इज अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ABE किस किस को मिला के बना है, एंगल OBD कहूं या ABD कहूं बात एक ही है, एंगल OBD लिख रही हूं इसलिए, प्लस एंगल ये वाला एंगल कौन सा होगा EBD, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 डिग्री का हो गया, ये एंगल कितने का आया था OBD 70 डिग्री प्लस एंगल EBD, तो एंगल EBD कितना का आ गया 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्रीज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.